नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। टीकमगढ़ में अधिवक्ता संघ ने गुरुवार को तहसील कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन किया। वकीलों ने तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान एसडीएम कार्यालय पहुंचकर तहसील और एसडीएम दफ्तर में सालों से जमे बाबुओं को हटाने की मांग की। वकीलों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप कर तहसीलदार को हटाने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि टीकमगढ़ तहसीलदार गोविंद सिंह ठाकुर अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से खुलेआम पैसों की मांग की जा रही है। जगत न्यूज 24 टीकमगढ़ से कमल राजपूत की रिपोर्ट। आईडी हमारे टीकमगढ़ तहसीलदार है गोविंद सिंह ठाकुर। आईडी हटाओ कर। ये इनकी जो कार्य प्रणाली है, ये जनता के सरकार के नुमाइंदे हैं, जनता की सेवा करने के लिए और शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए इनकी पदस्थापना की गई है। लेकिन विगत दिनों से देखने आ रहा है कि गोविंद सिंह ठाकुर तहसीलदार टीकमगढ़ की जो कार्य प्रणाली है, आम जनता हो, पत्रकार हो और हमारे वकील साथी, बिना वकालतनामा लगाए, बिना वकीलों की उपस्थिति लिए मनमानी कार्रवाई हो रही है। नामांतरणों की फाइलों में प्राय देखने में आ रहा है 4000 फाइलें इनके द्वारा निरस्त की गई हैं। उनमें डॉक्यूमेंट्स, जो विधिक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वो लगे हैं, लेकिन पैसे नहीं देने के कारण वो फाइलें निरस्त हुई। और वो ही नामांतरण की फाइलें बाद में इनने रिव्यू की, अपील में ना जाके उन्हीं फाइलों को इनने पैसे लेके उनको नामांतरण को क्लियर किया है। और हमारे कुछ अधिवक्ता साथियों के साथ जो एक संख्या उनकी जमानत में पैरवी के लिए आ गए हैं, उनके जो रीडर हैं और उनका जो स्टाफ है, वो स्पष्ट रूप से कहता है कि 5000 रुपये पर कैंडिडेट एक संख्या दोगे तो जमानत देंगे। और तहसीलदार टीकमगढ़ 2 बजे जेल वारंट बनाते हैं और जिनके पैसे पहुंच जाते हैं उनकी 4 बजे फिर रिहाई चली जाती है। रिकॉर्ड पे है ये सारी चीज़ें। इनके खिलाफ हम हाईकोर्ट भी जाएंगे और इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। और जितने भी स्टाफ में बाबू है तहसील कार्यालय में, एसडीएम कार्यालय में, जो एक एक दो दो सालों से पदस्थ है और इन लोगों की पैसों की दलाली कर रहे हैं, इन सबको हटाया जाएगा। अगर नहीं हटाया जाएगा तो एसडीएम और तहसील कार्यालय का घेरा होगा और सारी प्रक्रिया। और अभी ये भी आया है कि तहसीलदार महोदय की कार्य प्रणाली से प्रताड़ित होकर एक व्यक्ति ने जहर खाकर अपनी आत्महत्या करने का प्रयास किया है। तो हम शीर्ष, आप लोगों ने अभी क्या अल्टीमेटम दिया? हमने एक आवेदन दिया था तहसीलदार गोविंद सिंह के खिलाफ 14/12/23 में। माननीय कलेक्टर महोदय को हमने एक आवेदन दिया था कि सब तहसीलदार की कार्य प्रणाली विधि विरुद्ध है और पैसों में आलिप्त है और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन आज दिनांक तक 2-3 महीने व्यतीत होने को है, उस पर ना तो तहसीलदार के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। और कल परसों में नवीन घटनाक्रम जो हुए हैं उसके संबंध में हमने फिर से आवेदन आज लाए हैं। और अब हमारा ये है कि तहसीलदार महोदय को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और उनके स्टाफ को, जो 2 साल, हमारा कलेक्टर महोदय से निवेदन है, अगर उस के माध्यम से हम उनसे मुलाकात भी करेंगे कि जो बाबू विगत 2 वर्षों से एक ही टेबल पे हैं, एक ही कोर्ट में पदस्थ हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।